गत दिनों जालंधर के गांव ताजपुर में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था और ताजपुर चर्च के मुखी पर आरोप भी लगाए गए थे। तो वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर इन चर्चों पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों को मद्देनजर रखते हुए ताजपुर चर्च के प्रमुख बलजिंदर सिंह मीडिया के समक्ष पेश हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा। हालांकि जिस बच्चे की गत दिनों मौत हुई थी वह कैंसर से पीड़ित थी और उसकी मां पिछले 9 महीनों से अपनी बच्ची के साथ चर्च में आ रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि बच्ची का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था, जिस पर डॉक्टरों ने आखिरी स्टेज होने के कारण उसे जवाब दे दिया था। तो वही धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि वह आज भी अपने पहले नाम से ही जाने जाते हैं, उन्होंने अभी तक अपना नाम भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं वे अपनी आस्था को लेकर यहाँ आते हैं और संविधान के मुताबिक हर किसी को किसी भी धर्म को मानने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वे भी इंसान हैं, भगवान नहीं, और वे भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर, हमारे पास्टर विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। देखो, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहाँ जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि चाहे कोई बीमार आए, चाहे कोई कुछ आए, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। आते हैं चंगा करके दिखाओ, हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। देखो, मेरा काम है प्रार्थना करना और मैं तो प्रार्थना करके वापिस चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं उस दिन भी प्रार्थना कर रहा था, मैं कभी स्टेज के ऊपर से प्रार्थना करता हूँ। और क्या है, हमारा ऑनलाइन चलता है, आप लाइव देख सकते हो, ठीक है ना। के और दूसरी बात, जिनके लिए हम ले एंड प्रे करते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने बीमारों के ऊपर हाथ रखा और चंगे हो गए। हमारा काम ना, हम किसी से पैसे लेते ना, हम किसी को ये शिक्षा देते, कहीं ना कहीं काम आया है ना पैसे ये वो नाम इसलिए आते हैं क्योंकि कई लोग हर तरह से प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं लोग समाज में। ये पूरे पंजाब की कमेटी है और उसके बाद एक इंडिया की हम कमेटी को भी रखेंगे और पूरे वर्ल्ड की भी रखेंगे। ये 3 स्टेप में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक नहीं करेंगे। अभी तो ये पंजाब की है और हमारा प्लान चल रहा है, अभी इंडिया में भी रखेंगे हम, और उसके बाद हम पूरे वर्ल्डिज्म में भी रखेंगे। तो ये वो काम उनका है, वो काम ना इनका है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा काम तो है प्रार्थना करना। क्योंकि ये हम किसी को गलत गाइड नहीं हम करते।